श्री स्वामी प्यारेन देव जी महाराज अपने आश्रित जनों को सत्संग की महिमा बखान करते हुए बताते हैं। कहियत पैयत श्याम सुजान, मन क्रम वचन किए कहत तू, करि सत्संग गुरुवान। सुलभ संग समाज समझ, सुनि भागवत पुराण, तू नरवे नागर सुख सागर, श्री हरिदास मनुमान। वानर रीच गीत गज गनिका, साख सुनका श्री बिहारी दास, संदेहन राखो श्री मुख वचन प्रमाण। आचार्य प्रवर अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी विहारेन्द्र जी महाराज अपने आश्रित जनों के ताही कृपा करते हुए, कृपा वर्षण करते हुए कहते हैं कि कहियत पैयत श्याम सुजान। अरे भैयाओ, ये श्री बिहारी जी महाराज और कहते सुनते ही प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? मन क्रम वचन किए कहत तू, कर सत्संग गुरुवान। कि मन से, वचन से, कर्म से, तीनों क्रियाओं के द्वारा कि अरे भैया तू सत्संग यानी संतों का सानिध्य प्राप्त करो, संतों के पास बैठो। गुरुवान, गुरुवान के ऋषिक मान भाव संत महापुरुष गुरुदेव भाव बताते हैं कि तुमको गुरुओं की सौगंध है। अगर तुम प्रवचन संतों के सानिध्य प्राप्त करके उनके मुखारविंद से प्रवचन नहीं सुनते हैं, तुमको मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, तुम्हारा मनुष्य जन्म निस्सार हो जाएगा अगर तुम संतों का सानिध्य प्राप्त नहीं करते। बोलो बिहारी जी। संतन बिन हरि ना मिले, हरि ने कही पुकार, मोहे सुमरत भजत भैया, उबड़े गो मझधार। हरि कहते हैं, ठाकुर कहते हैं कि अरे भैया, संसार आसक्त जीव हो, अगर तुम मेरे संतों के, मेरे भक्तों के शरणार बिंदों में रति नहीं करोगे तो मैं तुमको कदापि प्राप्त नहीं हो सकता किसी भी जन्म में। इसलिए कर सत्संग गुरुआ, गुरुओं के चरणों में बैठ के उनकी बात सुनो, श्रवण करो, तब जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा। बोलो बिहारी जी। ओहो, धन्य हो वृंदावन धाम, यमुना जी का किनारा है, यहाँ साक्षात भक्ति महारानी नृत्य करती। श्री भगवत ऋषिकदेव जी महाराज राधा गुण गान करें, जमुना स्नान करें। स्वामी हरदास जी महाराज की रहनी, स्वामी हरदास जी महाराज श्री वृंदावन धाम में किस प्रकार से आप जो है विराजते थे,
राधा गुणगान करें, जमुना स्नान करें, जमुना जल पान करें, वास श्री वृंदावन को रसिकन को संग करें, कर करुवा गुदर करें, प्रेम अंग अंग भरें, नेम याही पन को और वासी निर्दूष रहें, मधुकर की प्रति दहें, काम क्रोध लोभ दहें, मोहादिक तन को भगवत यही भांत बसे, इंद्रीगन जुगत कसे, नैनन जुग रूप लसे, बिलसे सुख धन को। बोलो स्वामी जी। श्री बिहारन देव जी महाराज ने वृंदावन जी की महिमा वर्णन करते हुए आप बोले, जे तो अंतरवास में ते तो जाने उपास, और बिहारी दास कछु साच है, कछु कछु लोभ लिवास। बोलो बिहारी जी महाराज। महाराज मुक्त पंथ से बखान करते हैं कि जे तो अंतरवास में, कि अरे भैयाओ ये भूमंडल पे जन्म मिलो, पृथ्वी पे जन्म मिलो, भूविवश वृंदावन नहीं सेवते प्राणी पछताए, इनको दरस देव दुर्लभ जी आराधा राधाएं, पृथ्वी पे जन्म मिला और श्री वृंदावन का सेवन नहीं करते हैं तो उन प्राणियों को जन्म जन्मांतर पछताना पड़े। तो महाराज कहते हैं कि जे तो अंतरवास में, कि अरे भैयाओ यथार्थ रूप में अगर नित्य तत्व की प्राप्ति करनी है तो श्री वृंदावन चंद्र का आश्रय लेना ही पड़ेगा। बोलो स्वामी जी। बोलो वृंदावन चंद्र। बिहारी विहरन के चढ़ार बंदों में रति, और बिहारी विहरन की जो अखंड रति है, बिहार परायणता है, वो अगर हृदयंगम करनी है तो श्री वृंदावन जू और वृंदावन की रसिक महानुभावों का आश्रय तुमको लेना ही पड़ेगा। अगर इनका आश्रय नहीं लेते हैं तो महाराज के शब्दों में सीधा सीधा निर्णय है, ते प्राणी पछता, उनको निश्चित ही पछता। हाँ, अगर वृंदावन बराबर नहीं रह सकते हैं कोई बात नहीं, नित्य प्रति जहां भी रहते हो वहीं से वृंदावन जी की प्रणाम करो, दंडवत करो, भाव से वृंदावन में आ जाओ। और जो वृंदावन में रहते हैं महाराज, यही साधना करते हैं, उनके चरणों में रति करते हैं, प्रेम करते हैं, उनका तो कहना ही। तो जे तो अंतरवास में ते तो जाने उपास, बिहारी दास कछु साच है, कछु कछु लोभ लिवा। महाराज ने सांच शब्द कह के ये इंगित किया है कि भैयाओ वृंदावन वास करो, लेकिन एकमात्र वृंदावन वास करते हुए हृदय के अंदर बिहारी विहरिन की अनुराग की आंच होनी चाहिए। प्रिया प्रीतम के चरणार बिंदों में रति, उनकी अनुराग की ललक हृदय पटल पर झलकती रहे। ये कब हो सकता है? महाराज बोले, निज रस रीत प्रतीत विपिन बस तौल है। भैया ये निज रस रीति बिहारी बिहारिन के चरणार बिंदों में अखंड रति तभी संभव है जब वृंदावन वास करेंगे। जो भी मानुभाव वृंदावन की निजी वस्तु को प्राप्त करके बाहर जिन्होंने जो है भक्तों के हितार्थ गमन किया है, लेकिन वस्तु वृंदावन से प्राप्त करके और भक्तों के कल्याण हेतु गमन, इसलिए महाराज बोले, निज रस रीत प्रतीत विपिन बस तोल है। अगर निज रस रीति चाहिए महाराज, स्वामी जी महाराज श्री ध्यानंद जी महाराज,
तो विपिन श्री वृंदावन चंद्र जी का आश्रय लेना ही होगा। बोलो वृंदावन। और रसिक अनन्य नृपति को संग समझ गए, जो अनन्य भाव से श्री स्वामी जी महाराज का सेवन करते हैं, श्री वृंदावन वास करते हुए उनके चरणों का आश्रय लेना अनिवार्य है, तब ही वृंदावन की नित्य वस्तु प्राप्त संभव है। बोलो स्वामी जी। कहा बसे वृंदा विपिन? आचार्य ने कहा है वृंदावन में बस के अगर रसकों का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ तो भैया वृंदावन बस के जो सुख प्राप्त होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए, वो नहीं हो सकता। इस तरीके से आचार्य मानुभाव वृंदावन की श्लाघा मुक्त कंठ से वर्णन करते हैं, बहुत प्रकार से वर्णन। तो सभी से विनती है, अरे भैयाओ इस जीवन का लक्ष्य श्री वृंदावन चंद्र जी के सानिध्य में जो आएंगे उनको जीवन का परम लक्ष्य निश्चित प्राप्त, रसिकों का संग। तो ये रसिक मान भाव सहज बखान। बोलो बिहारी जी। जय जमुना जय श्री वृंदावन, जय गुरुदेव सर्व शुकुरा। जय जमुना जय जय।